इधर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक से अब हेमंत सोरेन ने भी दूरी बना ली है, वो बैठक में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने बैठक के पहले मांग उठाकर सियासत को हवा दे दी कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और योजना आयोग को वापस लाना चाहिए। तो बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात करें तो सिर्फ ममता बनर्जी के ही मौजूद रहने की जानकारी है। हेमंत सोरेन पहले पहुंचने वाले थे ऐसी जानकारी मिल रही थी, लेकिन बाद में यह खबर आई कि हेमंत सोरेन भी रांची में मौजूद है, वो आए नहीं है। और इसके अलावा कांग्रेस शासित जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई है, पहुंचा कोई भी नहीं है। लेकिन यह नीति आयोग की बैठक है, अब इसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री इसमें नहीं बैठे स्टेट को रिप्रेजेंट करने, इस पर भी सवाल है कि आखिर वो क्यों नहीं आए, इसमें क्या मैसेज है। अब देखिए नीति आयोग की बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बैठक चल रही है। बैठक का एजेंडा है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय पर चर्चा होती है। लेकिन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे ही नहीं है तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने, तो किस तरह से रोड मैप आगे बढ़ेगा तमाम, और बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री इसमें हैं, अधिकांश बीजेपी शासित राज्य के हर एक मुख्यमंत्री वहां पर हैं। और गैर बीजेपी अगर राज्यों की बात करें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं, वो भी निशाना साध रही हैं कि नीति आयोग को बंद कर देना चाहिए, इसके जगह पर योजना आयोग को लागू करना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल समन्वय पर चर्चा, ये मंथन का दौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। इसमें गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और तमाम मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की बात करें तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हैं, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो सिर्फ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से पहुंची हैं, वो भी ताना देते हुए निशाना साधते हुए। पहले जानकारी थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में पहुंचेंगे, लेकिन फिर अपडेट हुआ कि वो नहीं आ रहे हैं, रांची में ही मौजूद हैं। तो इसको लेकर भी तकरार नीति आयोग की बैठक पर, लेकिन ये बैठक राज्यों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण, रोड मैप 2047 को लेकर यह चर्चा। इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे अमित भारद्वाज, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में राज्य और केंद्र के बीच समन्वय, तालमेल और 2047 को मद्देनजर रखते हुए उस पर फोकस, विकास की बात। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ बीजेपी राज्य के पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, इसके अलावा सिर्फ ममता बनर्जी हैं, तो आखिर इसमें क्या मैसेज है, पूरी खबर विस्तार से आप दर्शकों को समझाएं, बताएं। देखिए नीति आयोग की ये बैठक इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार ये नीति आयोग की बैठक हो रही है और आमतौर पे जो तमाम मुख्यमंत्री होते हैं देश भर के राज्यों के वो नीति आयोग की बैठक में आते हैं और उसकी दो वजह होती है, एक तो केंद्र का विजन क्या है, जो विकास का विजन है, डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, किस तरह से फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है, कहां पे क्या बॉटलनेक्स आ रही है पॉलिसी एग्जीक्यूशन में, इसको समझाना, और राज्यों की तरफ से जो उनकी समस्या है क्योंकि हर राज्य की अपनी प्रायोरिटी है, अपनी समस्या है, इस बात को केंद्र के साथ साझा करके एक रणनीति तैयार करना। और इस बार का विजन बहुत क्लियर है, 2047 के लिए विकसित भारत का विजन लेके मोदी सरकार चल रही है, एनडीए सरकार चल रही है और इसी विजन के तहत नीति आयोग की बैठक हो रही है। लेकिन अहम बात क्या है, एक तरफ जहां आपने कहा कि बीजेपी के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं या फिर एनडीए, आप कह सकते हैं कि एनडीए शासित राज्य जो है वहां के मुख्यमंत्री तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट का फैसला किया है। सिर्फ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो इस बैठक में गई हैं, और उसमें भी बहुत अहम बात यह है आशुतोष कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो मीटिंग के अंदर क्या करने वाली है। वो कहेंगी कि आप नीति आयोग को खत्म कीजिए, नीति आयोग को स्क्रैप कीजिए, डिमांड है ममता बनर्जी की। और उसके साथ आप नजर बनाकर रखिएगा, बाकी के अपडेट्स के लिए फौरन आपका हम रुक करेंगे।